मामूला, उस अन्याम का लोट लेकर जाना है, गाड़ी निकाल यार। अरे जा यार, आज मेरी बेटी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। ओहो, कौन सी परीक्षा? तुझे पता नहीं है क्या, पटनम जाके मेरी बेटी ने कलेक्टर की परीक्षा दी है। ओहो, तुम्हारी बेटी ने एक परीक्षा क्या दे दी, बड़े खुश हो रहे हो। और मेरा बेटा एक बार ही परीक्षा देता है और तुम्हारी बेटी बार बार परीक्षा देती है। कौन सी परीक्षा में बैठा है? पापा पापा चलो यहां से। चुप कर, मुझे बोलने दे। वो कोई सप्लीमेंट्री परीक्षा है, करते भी बड़ी परीक्षा होती है। चाचा जी, सप्लीमेंट्री परीक्षा का मतलब होता है एग्जाम में फेल होके उसे दोबारा देना। अरे रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ, रुक। ये और इनकी हरकतें, अच्छा किया बता दिया तूने। अब बहुत हुआ। हाँ, तुम बाप बेटी को कोई और नहीं मिला हंसी मजाक करने के लिए? ये भी ना, बेचारी अंदर से कितनी चिंतित होगी पता नहीं, एक बार जाके देख तो लो। बात तो सही है। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी बेटी, आखिर कहाँ हो बेटी? हेलो। अच्छा ठीक है पापा, पापा दीदी ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया। सुनिए, ये क्या आंखों में आंसू कैसे? आंसू सिर्फ दुख में नहीं निकलते, कभी कभी ढेर सारी खुशियों की वजह से भी छलक जाते हैं। सच है, बिल्कुल सही। आपने कितने मेहनत से इसे पढ़ाया है, आपकी वजह से ही कलेक्टर बनी। पापा। इसे मैंने दिल में रखकर बड़ा किया है, इसने 10 लोगों के लिए सपना देखा है, आज वो सपना पूरा हो गया, मेरी लाडली बेटी लक्ष्मी। पापा। जब इनको पता चलेगा तो ये खुशी से उछलने लगेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई? क्यों जीजू, अपने घर की महालक्ष्मी को यहाँ ले आए? सिर्फ हमारे घर की ही महालक्ष्मी नहीं है, अब हर घर की महालक्ष्मी है। तुम्हारी भांजी कलेक्टर बन गई है। अच्छा, कमाल कर दिया। देखो तो, हमारे घर कलेक्टर आई है। मेरी लाडली बेटी। सुनो, पूरे गांव में यही बात बतानी है, हाँ? फिर मिलते हैं। मामा जी, मामी, हम चलते हैं, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। मैडम, आपका केबिन यहीं पर है, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, बाहर ही हूँ। नमस्ते मैडम।
नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कलेक्टर सर हैं वो, पहली बार वो ऑफिस आई हैं, कम से कम उठ के नमस्ते तो कर लीजिए। मेरे 40 साल के सर्विस में 2 बार यहाँ के करेंसी बदल गए, 20 बार यहाँ के कलेक्टर बदल गए। मैं खुद उठ के नमस्ते बोलूं, ऐसा किसी भी कलेक्टर ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। मेरी उम्र के साथ साथ ये कुछ अच्छा करेंगे इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है। देखते हैं ये कलेक्टर साहिबा क्या करती है। ए, तू काम करना। ए, तू ऐसे क्यों खड़ा है, अपना काम करना, देख क्या रहा है, काम कर। पापा मम्मी ने खाना भेजा है। वहां रखा है बेटी, आ रहा हूँ। क्या रामूला? हाँ बेटी को बहुत पढ़ा लिखा रहे हो। हा? बहुत पढ़ेगी सेठ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। क्यों बेटी, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं कलेक्टर बनूंगी अंकल। अच्छा है, सपने देखने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। तुम्हारे पिता मिट्टी में काम करने वाले किसान हैं और तुम कलेक्टर बनोगी। रामूला बन जा, जा कलेक्टर बन जा। हे सुना। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है मैडम। नमस्ते कलेक्टर जी, कैसी हैं? मेरा नाम है रवि, सब मुझे खेत वाला रवि बुलाते हैं। एमएलए का आदमी हूँ, भाई को बहुत पसंद हूँ, जनता मुझसे डरती है। खैर वो सब छोड़ो, शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ की जमीन है, लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। वहां जब हम बोलेंगे तभी लोग फसल काटेंगे, कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका सर भी काट देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फाइल पर आप दस्तखत कर दीजिए, चेक के ऊपर दस्तखत मैं कर दूंगा। वैसे हम जैसे कि फाइल पर दस्तखत करेंगी तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, अगर मना करेंगी तो बेवजह किसी की मौत होना ठीक नहीं है कलेक्टर मैडम, ये आप पर निर्भर है। देखिए एमएलए जी की पूछ रवि जी, डराने के लिए ये बच्चों की कहानियाँ, बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसे या बाहर बेईमान ब्रोकर जो तुम्हें सलाम ठोकता है उसे सुनाओगे ना, तब वो सुनेंगे, मुझे मत सुनाओ। कलेक्टर जबान संभाल के। तुम जिन लोगों को डराते हो अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फंस जाओगे। तुम्हारे दस्तखत की अहमियत है तो एक के बाद कुछ शून्य है, पर मेरे दस्तखत की अहमियत कुछ जिंदगियां हैं। वैसे भी तुम्हें इतना टाइम दे दिया मैंने तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को क्लैरिटी दिलाने के लिए। तुम लेडी कलेक्टर हो, थोड़ा डरना चाहिए। एए! उसी औरत के पैरों के नीचे है तुम्हारा अहंकार, ठान लिया तो एक दस्तखत काफी है। तुम जैसे रवि को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए। क्या हुआ मैडम? बच्चा आ गया। अरे ज्यादा चोट लग गई क्या? दिखा मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? अरे 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 तू कैसे गिर गया? अरे चोट तो नहीं लगी ना तुझे? चोट लग गई माँ। कोई बात नहीं, यहाँ लगी है क्या? अच्छा चल परेशान मत हो, चुप हो जा।
अभी? हाँ बेटा चुप हो जा, चल चल घर चलते, कोई बात नहीं, आजा आजा चल। मैडम मैडम इज एवरीथिंग ओके? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? ओके डॉक्टर। सर, एक मिनट सर, कुछ सालों से औरतों पर हमले हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है सर? एक कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है सर, तो एक सामान्य महिला सरकार से क्या उम्मीद करे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा, इसके पीछे चाहे कितने भी बड़े लोगों का हाथ हो वो पकड़ा जरूर जाएगा। सर कलेक्टर साहिबा की हालत अब कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो अभी खतरे से बाहर है, उनकी सेहत अभी स्टेबल है। मैडम के पेरेंट्स आप ही हैं ना? हम हैं। शी सेफ ना, अभी रूम में शिफ्ट किया है, आप जाके मिल सकते हैं। आप रुकिए मैडम, आप जाइए सर। आइए। ठीक है। आपको कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। एक औरत को बहुत दर्द सहने की शक्ति भगवान ने दी है, ऐसा कहा जाता है। मैं भी औरत होने के नाते बता रही हूँ, जान भी चली जाए तो इतना दर्द नहीं होता होगा। आपकी बेटी है इसलिए आईसीयू रूम में है, अगर कोई और होती तो मॉर्चुअरी में होती। उनके ऊपर अटैक होने के कारण वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई हैं। जिंदा रहने की इच्छा ने उनके आखिरी पल में भी उन्हें जिंदा रखा है। अरे देखिए आप कमजोर मत पड़िए, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया? लेकिन एक बात बता सकती हूँ, ये सुबह सोच के रात को किया गया अटैक नहीं है, पहले से प्लान किया गया है। अरे खबर तुमने देखा ये? कलेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया है, देख। बाप रे, कलेक्टर के ऊपर हमला किया है ना, तो कोई बड़ा आदमी होगा। हाँ वैसे भी औरत है, घर में बैठने की बजाय नौकरी करती है। आपने जो पेपर मंगाया था वो ले आया हूँ, आपको जो देखना है देख लीजिए, बाकी के अभी लाता हूँ। क्यों भाई, अंधेरे में बैठकर इतना क्या सोच रहा है तू? इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? अटैक हुए कितने दिन बीत गए? इंक्वायरी तो हो रही है, पर यह केस मेरे हाथ में नहीं है। फाइल्स मैंने हायर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिए हैं।
अभी वो फाइल उनके पास है। ये सेटअप कैसा है? वो बहुत सीरियस है, इसलिए मैंने तुझे यहां पर बुलाया है। तू किस काम के लिए यहां पर आया है? लगता है कुछ ना कुछ कर देगा। ए, अब तक जितनी मुसीबत क्रिएट हुई है वो तेरे लिए काफी नहीं है क्या? अटैक हुए कितने दिन हो गए, फाइल टेबल पे पड़ी रहे, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें जॉब नहीं दिया है। फाइल को इधर उधर घुमाओ मत, ये केस सॉल्व होना चाहिए और वो मैं करूंगा। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। इस अभिमन्यु के बनाए चक्रव्यूह से वो बच के निकल नहीं सकता। चलो चलते हैं। अभी जाना कहां पर है? यह कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं इस कहानी का अंत ढूंढते हैं। कोई क्लू मिला क्या? नहीं यार। चलो सुन, कल मैंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा था यार, दो दिन में अरेंज हो जाएगा ऐसा कहा है। वैसे इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट करने का सोच रहा है? पीए के साथ जबरदस्ती करते हुए कलेक्टर के हाथों पकड़े जाने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर। हाँ, इंस्पेक्टर अजय। पूजा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सीधा मुद्दे पे आता हूं। उस दिन म्युनिसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पिताजी के जाने के बाद से घर में बहुत परेशानी थी। जान पहचान से म्युनिसिपल ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई थी। सर का शेड्यूल प्रिपेयर करना मेरी ड्यूटी थी सर। हर दिन की तरह उस दिन भी पूजा पेन उठाओ। ओके सर। पूजा सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर छोड़िए सर, प्लीज सर सर छोड़िए ना। सुनो, घर में परेशानी ना हो इसलिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है सर। मुझे पूजा मेरी बात सुनो, सर दर्द हो रहा है, छोड़िए। पैर उठा। मैडम इज्जत से। पैन उठा कहा ना? शर्ट इसलिए नहीं उतरवाई ताकि तुम सबके सामने हीरो लगो। तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले चार मर्दों के बीच शर्ट निकलवाई तो तुम्हें जितना गुस्सा आ रहा है ना, उससे ज्यादा गुस्सा जब पराया मर्द किसी औरत का हाथ पकड़ता है तब उसे आता है। ये बात मैं मार कर भी समझा सकती थी, पर नहीं, ऐसा करने पर तुझे याद रहेगा। एक औरत चार मर्दों के साथ काम करती है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे कमाकर अमीर बनना चाहती है, वो अपने परिवार की ताकत बनना चाहती है। ए, पर्दे बदलो, सब काम ऐसे के ऐसे ही है, शाम तक मंडप रेडी होना चाहिए, समझ आ रहा है क्या? वो भी बदलो, सुनाई दे रहा है क्या? कौन है सर आप? अब ये भी बताना पड़ेगा, हाथों में हथकड़ियां लगा दूं तब क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है, शाम को तेरी बेटी की शादी है,
तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, याद है या भूल गया? पूजा, अंदर डाल के चार खींच के देंगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। सर वो बहुत अच्छी लड़की है सर, मुझसे ही गलती हो गई, पर कलेक्टर ने जो किया वो गलत था। उसके कारण हुआ ये कि सोसाइटी में मेरा नाम और इज्जत सब चली गई। बस अभी थोड़ा सेट हो रहा है, दया करके मुझको रोड पर मत घसीटो। आप जो कह रहे हैं वो सच है, मैं कैसे मानूं? सर बच के जो निकलना चाहता है वो झूठ बोलता है, मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू जो कहानी मुझे बता रहा है उसमें जितनी तुझे क्लैरिटी है ना उतना ही मुझे डाउट है, और मेरा डाउट सही हुआ ना तो याद रखना। ठीक है सर, चलो। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर्स हमें नहीं मिले, सो आई थिंक ही इज नॉट अ सस्पेक्ट। अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? चाय लीजिए सर। चाचा दो चाय। हाँ हाँ चाचा जी, 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर और कलेक्टर का झगड़ा हुआ था, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा वो दिवाकर, उस दिन हुआ ये। वो चाहे कहीं भी हो हर हाल में उसका पता लगा कर मुझे बताओ। अरे बहुत अच्छी जगह है ना? क्यों रे, यहाँ क्यों आना हुआ? साहब हमारा घर हमको अगर दिलवा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं अब। बिना भूमिका बनाए सीधा सीधा और साफ शब्दों में कहता हूँ, सुन लो, किसे कितना चाहिए और कब चाहिए, पेपर पर दस्तखत कर दो। साहब खुद का घर हमारा सपना है, उसे हम बेच नहीं सकते साहब, इस पेपर पे हम दस्तखत नहीं करेंगे साहब। क्यों रे, ये कह रहा है तुम सब लोग दस्तखत नहीं करोगे? ये कैसी जबरदस्ती है, हमारा घर हमसे छीन लोगे तो हम रहेंगे कहाँ, तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? ए, क्या बे? अरे अगर अपनी मर्जी से दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, अगर मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैम साहब अब आपको ही हमें न्याय दिलाना होगा। मैम साहब वो कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर ने हमारे घर को जब्त कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर के घर में ऐसे घुस जाना क्या सही बात है? आपको ये सही लग रहा है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे घर को उस दिवाकर ने जब्त कर दिया था, तब तो हमसे किसी ने नहीं पूछा, पर आज हम सब दिवाकर के घर में घुस गए हैं तो सबके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। ऐसा ही होता है, अमीर लोगों के घर का कुत्ता भी घूमने जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है ना? आप मीडिया से बात कर रहे हैं? ये मीडिया से बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? खुद को समझ में आ रहा है? बताइए। रुको रुको, नमस्ते बेटा। अगर जनता के हक को ऐसे लोग छीन लेंगे तो गवर्नमेंट ऐसे ही ठीक करेगी ताकि ये सब कुछ दोबारा रिपीट ना हो। मूर्ति जी, चाचा जी, ये घर की जमीन आपकी है। नमस्ते, नमस्ते। देखा, ये हमारे घर की चाबी है, हमारे घर की। कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी।
इसे देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्यों रे दिवाकर, शहर के बाहर तूने 50 एकड़ की जमीन खरीदी है, सुना है? बहुत बढ़िया है। तेरे हाथों में अंगूठिया है, तेरे नाम पर जो बंगले हैं, मैंने सुना है तू पूरा एरिया खरीद सकता है। सर, ये मेरे दादा परदादा का दिया हुआ है सर। क्यों अभी? इसके बाप की शुरुआत इसके दादाजी ने की है। मैंने सुना है कि तूने कलेक्टर को वार्निंग दी, जरा मुझे भी देके दिखा। मैंने सर सर उस दिन मैंने अनजाने में कह दिया था सर। वैसे भी यहाँ के लोगों को आप जानते ही हैं सर, सरकार इन्हें जो जमीन देती है उसमें से आधी जमीन तो ये बेच देते हैं। वो बेचते हैं, मैं खरीदता हूँ। उस दिन मैं उनको रेट देने के लिए तैयार था, उन्होंने मना कर दिया और कलेक्टर के पास जाकर शिकायत भी कर दी सर। अरे रे रे, कौन कहता है हिंदी सिनेमा में कहानियाँ नहीं है? इसे देखो कितनी बढ़िया कहानी सुना रहा है। झूठ नहीं है सर, अगर चाहिए तो इंक्वायरी कर लीजिए। ए, तू जो कहानी सुना रहा है उसमें तुझे क्लियरिटी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। ओके सर। गलती करने वाला सफाई देता है, लेकिन ये जवाब दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो और कौन होगा? ए, कलेक्टर ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है। सुन, तुझे बताना भूल गया था, कुछ सर्वर इशू के कारण कुछ सीसीटीवी फुटेज मिस हो गया यार। व्हाट? मिस कैसे हो गया? अभी हमें ऑफिस चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? रमिया सर। कलेक्टर ऑफिस की सर्वर रूम की इंचार्ज तुम ही हो ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिस में, और इतना ही नहीं, कलेक्टर के चैम्बर का सर्वर गड़बड़ हो जाता है, फुटेज मिस हो जाती है, ये इतना आसान तो है नहीं सर। वो आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट नीड दैट फुटेज, वो भी 2 दिनों में। जो भी फुटेज मिस हुए हैं वो रिकवर होके मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर। साहब, कलेक्टर मैडम से एक बार मिलने दो साहब, दया करके एक बार मिला दो साहब। बुड्ढे, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो, दिमाग खराब कर दिया तुमने, चुपचाप बैठ। अरे साहब, चाचा जी क्या हुआ, आप कलेक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, एक मिनट, मैं बाद में बात करूंगी। चाचा जी कैलेंडर में दिन तो बदलते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों स्वामी, दोबारा उस कलेक्टर के ऑफिस में गए थे क्या? उस कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते भले ही तुम्हारी हेड़ियां घिस जाएं, लेकिन उसकी कार इस रोड पे नहीं आने वाली है। तुम्हारे आराम करने की उम्र है, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? कुछ सालों पहले हमारे इस गांव में 400 के ऊपर घर थे और 50 समाधियां हुआ करती थी, और अभी 200 घर होने के बावजूद समाधियां उससे कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कम से कम मेरे मरने से पहले ये गिनती कम हो जाए, ताकि तुम सबकी जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहता हूं मैं। वैसे भी वो गिनती कम हो और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, इसके लिए भगवान या देवी को तो उतर के आना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम साहब।
मैम साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैम साहब, हे बताओ, तुमने क्या बोला कि यहाँ तक आ गई? मैम साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हमें यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, सब लोग ठीक से रह रहे हैं। देखिए, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया, तुम्हारा डर देखकर ही बात क्या है मैं समझ गई हूँ। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उस समस्या के पीछे कौन है ये बात मायने रखती है। अब बताइए मुझे, कौन है वो? नहीं मैम साहब, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक से रह रहा हूँ। अगर अब भी अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो जुबान के साथ साथ हमारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। मैडम, हमारे गांव वाले किताबों के साथ साथ हमारी समस्या भी यहीं पर फेंक रहे हैं। मैडम, मैं BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैडम, लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर खेती को ही अपना व्यवसाय बना रहा हूँ। मैडम, यहाँ की समस्या किसान की कम कमाई या फिर पानी की कमी या फिर बारिश से फसल तबाह हो जाए, ऐसा नहीं, उसकी वजह यहाँ नकली बीज है। मैडम, नकली बीज? हाँ मैडम, बहुत सालों से हमारे दादा परदादा की जमीन गिरवी रख के हम बीज खरीद कर फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है। मैडम, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ घर की बड़ी बेटी भी बलि चढ़ रही है। मैडम, हम सबका जीना बहुत मुश्किल हो गया। मैम साहब, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, हम लोग सच में खुश हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैम साहब, दीदी दीदी दीदी, मेरे पिता खेत में गए थे, अब तक नहीं आए। मेरी माँ ने कहा था कि कल तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। कम से कम आप तो मेरे पिताजी को आने के लिए कहिए ना। इसके पिता को मरे बहुत दिन हो गए, लेकिन इसको कैसे समझाएं? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेम साहब, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मूर्ति जी। मैडम, ये MLA की फैक्ट्री है। मैडम, मूर्ति जी। मेम साहब, वो MLA हमें जान से मार डालेगा। नहीं मेम साहब, मत कीजिए, उस पर साइन मत कीजिए। मेम साहब, MLA पेटा रेड्डी के खिलाफ गई गोदावरी जिला कलेक्टर। MLA की बीज की फैक्ट्री में नकली बीज बना रहे हैं, ये कहा है जिला कलेक्टर ने, और इसीलिए फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। देखते हैं इस पर MLA पेटा रेड्डी की प्रतिक्रिया क्या होगी। मैडम, और भी बहुत सारी समस्या है, वो MLA और उनका बेटा। क्यों कलेक्टर, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, खून जरूरत से ज्यादा उबाल मार रहा है, बोलो ना। उसे रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। रोड पर बस तुम्हारी ही कन्वे नहीं है, हमारे कंकड़ के लोडर भी बहुत हैं। उस लोडर से टकरा कर कलेक्टर की मृत्यु हो गई, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। मैडम, तुम दस्तखत करोगी तो ये लोग सहयोग करेंगे क्या? अच्छा काम करोगी तो 10 लोग हाथ जोड़ेंगे, उसी 10 हाथों में हमें जो देना है वो हम दे देंगे, वो हाथ हमारे आगे भी जोड़ेंगे। खरीदने से पहले नमक का स्वाद चखते हैं क्या? हमारे बीज भी ऐसे ही हैं। इन गरीब किसानों के लिए इतना गुस्सा दिखा रही हो? 4 पैसों के लिए दिन भर काम करने वाले भिखारी, इनके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने जो ऑर्डर पास किया है उसे रद्द करने का दस्तखत करो। क्या हुआ कलेक्टर, इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? दस्तखत करो। भाई भाई, ये देखिए। कलेक्टर, तुझे देख लूंगा और तुम सबको भी। Yeah.
मुझे फंसा दिया, सबके सामने मेरी इज्जत उतारी, उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई शांत हो जाइए, ये पैक पीजिए। मेरे बाप ने मुझे मारा, इतना दुख नहीं हुआ। कुछ भी करो, मुझे अपनी बेइज्जती याद आ रही है। मैं दारू पी रहा हूं, उसके बाद भी उसका घमंड याद आ रहा है। जब तक उसकी जान नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई जान लेंगे लेकिन कलेक्टर की नहीं भाई। बोलिए पापा। हेलो बेटी, क्या कर रही हो? काम में उलझी हुई हूँ पापा। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, आज हमारे गांव में पूजा यात्रा है, तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा, तुमको आना ही पड़ेगा। ठीक है मैं आती हूँ पापा। हाँ ठीक है बेटा। ओके। सुनिए कलेक्टर मैडम, सुनिए कलेक्टर साहब, मेरा बेटा मर गया, मना किया था मत करो, लेकिन देखिए आपकी बात सुनकर क्या हो गया। मैम साहब, मैम साहब, अच्छा भला जवान बेटा था मेरा, मैम साहब सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। जिन हाथों से आशीर्वाद देना चाहिए था, उन हाथों में अस्थियां पकड़कर खड़ा हूं, इन्हीं हाथों से उठा उठा कर पाला था मैंने उसे, आज अस्थियां विसर्जन करने जा रहा हूं। दोबारा इस गांव में वापस मत आइएगा, हम बहुत खुश हैं, हमें सुधारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे की मौत का न्याय चाहिए मुझे, मुझे न्याय चाहिए, 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 न्याय चाहिए। आप पीछड़िए, पीछड़िए। पूजा बहुत अच्छे से हो रही है ना भाभी? जी हाँ। साहब, साहब, हमारी सुपर लक्ष्मी आ गई, सुपर लक्ष्मी आ गई, आ गई। मालिक, हमारे गांव की बेटी आई है मालिक, कलेक्टर बनकर आई है, इस बार यह ज्योति उन्हें जलाने दीजिए मालिक। कमाल करते हो भाई, मैं जलाऊं या मेरी भांजी जलाए, एक ही तो बात है। ये लो पूजा। जी लाइए। मैडम इस साल की ज्योति आप जलाइए। मैं? हाँ मैडम आप ही जलाइए। ले लो। हाँ ठीक है। मेरे बेटे की मौत का न्याय चाहिए मुझे, न्याय चाहिए मुझे। जिन हाथों से आशीर्वाद देना चाहिए था, उन हाथों में अस्थियां पकड़कर खड़ा। अरे रंगा शांत हो जा भाई, जाने वाला कभी लौटता है क्या, जो हुआ उसे भूल जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अब क्या करने आई है यहाँ पे, तुम्हारे आने की वजह से एक जान चली गई, अब कौन सा नुकसान पहुंचाने आई हो तुम हमें, तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, चली जाओ मेम साहब, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ।
एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर। जाओ, तुम बड़े लोग जीते ही हो, हम गरीबों की वजह से तुम लोगों पे क्या भरोसा करना। ओए रांगा, शांत हो जा। मैम साहब जो कह रही है सुन तो ले। मैम साहब ने हमारा नुकसान कराना चाहा था क्या बता? हा? मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए माफी मांगना काफी नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गलत चीजों पर सवाल करना मेरा हक है। सच है, मेरे कारण आपके साथ अन्याय हुआ, तो न्याय भी मैं ही दिलाऊंगी। आपने जिसे खोया है वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मैंने भी अपना भाई खोया है। जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकती, पर आपके हर एक आंसू की कीमत चुकाऊंगी मैं। एक बार भरोसा करके देखिए, भले ही मेरी नौकरी चली जाए, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, आपको न्याय दिलाकर रहूंगी मैं। अरे गाड़ी पंचर हो गई। अरे ड्राइवर क्या हो गया? गाड़ी पंचर हो गई सर। क्या हुआ? मैडम टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर हो गया? हाँ मैडम, यहीं पास में ही पंचर की शॉप है, मैं बनवा लेता हूँ। मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी। मैडम, मूर्ति जी, मूर्ति जी, मूर्ति जी, Ah!
हमारी लिस्ट में दिवाकर कमिश्नर दोनों नहीं है, ये क्लियर हो गया है। जरूर ये कांड एमएलए ने किया होगा। वो दोनों सुबह पर बहुत गुस्सा थे, पर एमएलए की बदले की भावना है क्योंकि बीच की फैक्ट्री बंद करवा दी, वीडियो में इज्जत उतार दी, उसके बेटे का सबके सामने पर्दाफाश कर दिया। इतना सब करने के बाद भी वो आखिर चुप क्यों बैठेगा? जरूर इसमें एमएलए का ही हाथ होगा। नाम क्या है उसका? बेटे रेड्डी। यहां रख दो। नमस्ते कलेक्टर मैम साहब, स्वास्थ्य कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सब लोग कह रहे हैं कि आप पर मैंने हमला करवाया, ऐसा मुझे पता चला है। 30 साल पहले सब लोग ऐसा सोचते थे कि ये रेड्डी किस काम का है, क्या करेगा, इसे कुछ आता भी है। लेकिन अब बाहर कोई कुछ भी करे वो रेड्डी ने ही किया है, ऐसा ही सब सोचते हैं। इसलिए एक बात मैं क्लैरिफाई करने आया हूं। देखिए ये सब बात करके सुलझ सकता है, हथियारों की जरूरत नहीं है, पर ये बात बताने नहीं आया हूं। अधिकारी हो ना तो एक बार देखने आया हूं, और तुमने मेरा जो नुकसान किया वो मेरे बिजनेस में शाम को भूल जाऊं इतना छोटा है, समझ में आ रहा है? और हमारे खानदान का उसूल है, हम औरतों से पंगा नहीं लेते। और मुझे सीएम बनना है तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अभी तेरी आंखों में लड़की के लिए प्यार नजर आ रहा है, उन्हीं आंखों से मेरी बातों की भी सच्चाई देख ले तो अच्छा होगा। मैं चलता हूं, इनका ख्याल रखना। इस हालात में ये सब बोलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता। कॉन्ट्रैक्टर से लेके कमिश्नर तक, जिस जिसने भी तुम्हें थ्रेट किया है मैंने सबकी इंक्वायरी की है, लेकिन एक भी क्लू नहीं मिल रहा। गलती कहां हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मे बी ये प्लान किया हुआ अटैक नहीं है, वी माइट बी रॉन्ग। एनी हाउ तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, फर्स्ट रिकवर हो जाओ, बाद में बात करते हैं। अभी मैं कौन हूं? अभी आई एम एन आईएएस ऑफिसर। उस दिन मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई, पर अटैक मुझ पर हुआ या नहीं ये ना जान पाऊं, इतनी पागल नहीं हूं मैं। मैं एक कलेक्टर हूं, मेरे पीछे एक व्यवस्था है। अभी इतनी इजीली माइट बी रॉन्ग कह रहे हो तुम, पर मेरे आसपास इतने सारे लोग क्यों? एक कलेक्टर को इस डिपार्टमेंट से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो कल को एक कॉमन लड़की का क्या होगा? तुम बताओ मुझे, मुझे न्याय चाहिए अभी। मेरी बात सुनो सुबह, हेलो सर, मैं रम्या बोल रही हूँ सर। हाँ रम्या बोलो। सर आपने जो सीसीटीवी मांगा था वो मिल गया है सर। तुम अभी हो कहाँ रम्या? सर मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर। ऑटो सर। रम्या, रम्या, रम्या कहाँ हो तुम? रम्या तो मुझे सुन पा रही हो? अरे कौन है तू? चिल्ला क्यों रहा है? ए, तुझे चक्रव्यूह बनाना ही आता है पर मुझे उसमें से बाहर निकलना भी आता है। सबो आ रहा हो। Hey!
ए अभी रम्या मर चुकी है यार। ए अभी, ए हायर ऑफिसर से कॉल आ रहा, तू कॉल क्यों कट कर रहा है? पागल हो गया क्या? करियर को रिस्क में मत डाल यार, कॉल उठा ले। आई नो योर पास्ट वॉज पेनफुल बट यू हैव टू एक्सेप्ट। ए अतीत की यादों को भुला देगा तो अच्छा होगा यार, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना पड़ेगा। भूलने के लिए इतनी दूर आता क्या? यादों के बोझ को सह नहीं पा रहा हूं इसलिए इतनी दूर आया। अरे अजय कहाँ है? कहाँ जा रहा है? ये मार रहे हैं यार, जल्दी आओ यार तुम। क्या है तुम्हारा? छोड़ा नहीं बस करो। हे हे, अगर बाहर के लोग आए तो उन्हें मिलके मारना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। तेरी तो कारण क्या है रूपा भाई? रामायण और महाभारत क्यों, ये पता है? सिर्फ एक स्त्री की वजह से। इतनी भी समझ नहीं है क्या? रोकना छोड़ो भाई, ये साई है ना, रूपा को मेरे पास आने से रोक रहा है। क्यों रे? मैं क्या रोक रहा हूँ, उसने मुझे फूल दिया। हे, तुझे बस फूल दिया होगा, मुझे तो घर पे आने के लिए बोला है। ए, लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है रे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। अरे यार, क्लासरूम में जाने के लिए 10 मिनट ही बचे हैं, तू जल्दी से बता दे। सुनो। हाँ? ये क्या है? तुम्हें पता है तुम मेरे लिए ही पैदा हुई हो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? वो हिसाब मैं बराबर करता हूँ। अरे पागल, सारे उपदेश केवल हमारे ही लिए हैं क्या? तू याद नहीं रखता क्या? अभी तू उसे फूल नहीं देता तो मर जाता क्या? हे, मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस लड़की को देख के मेरा दिल फिसल गया। पहली ही नजर में इससे प्यार करने लगा हूँ। तेरी पहली नजर का प्यार मरवाएगा। ए, क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। क्यों रे, तेरा नाम क्या है? अभिमन्यु सर, लोग मुझे अभी भी बुलाते हैं। अभिमन्यु नाम रखा है इसलिए युद्ध कर रहा है? गांधी नाम होता तो स्वतंत्रता सेनानी होता। तेरा नाम क्या है? कलर सर। कलर, ये कैसा नाम है? वो क्या है, मेरे पिताजी पेंटर हैं सर, उन्हें अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है ना, इसीलिए मेरा नाम कलर रख दिया। अरे रे, मार ही डालेंगे ये। तुम्हारा नाम क्या है? बालू है सर, सभी चमचा बालू बुलाते हैं। सही नाम है।
अरे 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 क्या हो रहा है ये? तुम लोगों का नाम, तुम लोगों का होलिया, लंका को जाने वाले वानर सेना की याद आ रही है मुझे। ए, स्टैंड में साइकिल होनी चाहिए, कैंटीन में समोसा होना चाहिए, और तुमको अपने क्लासरूम में होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ की ना, तुम्हारे हाथों में टीसी होगी। गेट आउट। अरे लड़की आ रही है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, बोलिए। अभी देखने थप्पड़ मारेगी। सॉरी, बोलेगा क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन एडजेक्टिव। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने इसके ऊपर कितनी तैयारी की है। तो चलिए बताइए। यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। थैंक यू मैम। सुबू, हाँ? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे चाचा जी तुम्हारा हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ, ओके ओके, जाओ। अभी छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमने कहा पापा का एक्सीडेंट हो गया है। टेंशन मत लो सुब्बू, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है। सच कहूं तो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें सामने वाले की फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेलने की आदत है शायद, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे कैसा फील होगा। छी, सुब्बू। सबके पापा के साथ साथ दुनिया भी होती है, पर मेरे पापा ही मेरी दुनिया है।
दोबारा ऐसी पागलों जैसी हरकत की ना तुमने तो फिर मैं सुपू। इसने बताया क्या तुमको? नहीं मुझे तो नहीं पता। सच में हाँ, मैं कह रही थी ना तुमसे। सुबू एक बार मेरी बात सुन लो। सुबू मेरी बात सुनो। सुबू मेरी बात सुनो, मैं तुमसे दो मिनट बात करना चाहता हूँ, सुन के फिर चली जाना। छोड़ो अभी, मैं बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुब्बू। अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं कैसा ना करूं? देखो अभी, पहले तो छोड़ो मुझे। सच में पसंद करते तो परेशान करते। सुब्बू अच्छा ठीक है, मैं बदल जाऊंगा, पूरी तरह से बदल जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, मुझसे शादी कर लो प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में शादी? यहां से भाग चलते हैं ना, हम भाग के शादी कर लेंगे सुब्बू। पापा चलो बेटी। मैं जीत गई पापा। तुम्हें जीतना ही होगा बेटी, तुम जीत गई मतलब तुम्हारा बाप जीत गया। वो कैसे पापा? खेल में हार सकते हैं बेटी, जीतने तक हम खेल सकते हैं, पर जिंदगी ऐसी नहीं होती, उस पर भरोसा करना, उस पर चलना भी तुम्ही को होगा। पापा तुम्हारे साथ होंगे पर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी को बड़ा करने वाला हर पिता बेटी पर पूरा भरोसा भी करता है। कभी कभी हमारी आंखें जो झूठ देख लेती हैं उसी पर भरोसा कर लेती हैं। बाप हूं ना बेटा, सच पर ही भरोसा करता हूं। वैसे भी मेरी बेटी को कब क्या करना है ये वो अच्छी तरह जानती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। दिखाओ मुझे। सब लोग हैं और तू ऐसे क्यों उदास खड़ा है? अरे हाँ? ये हमारा अभी है ही नहीं। मैं जिस अभी को जानता हूँ ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे बर्थडे पर रोता नहीं। लड़कियों पर पीएचडी किया है तुमने, फिर इस तरह की बातें तुम क्यों कर रहे हो? सही नहीं है यार। समुंदर कितना गहरा है कोई नहीं जानता, वो तो उसमें उतरने के बाद ही पता चलता है। सुब्बू के लिए मेरा प्यार भी ऐसा ही है।
मेरे आसपास इतने लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूं। इसने बिल्कुल सही कहा, वो अभी दूसरा था। मुझे मेरी सुब्बू चाहिए यार। अरे सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। हैप्पी बर्थडे भाई। क्या यार, चल जी ना। हाँ? क्या कर रहा है तू? तुझे देख रही थी वो। लगे रे। सुब्बू का कुछ पता चला क्या? हाँ, पता नहीं, अभी ये लेटर दिया है उसने। लेटर? क्या लेटर वेटर की बात हो रही है? मजा इन दोनों की। बाय भाई। अभी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे पता है, पर तुम्हारा प्यार मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। दूसरों की फीलिंग्स इमोशन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। तुम्हें एक बात पता है अभी, मेरी हर खुशी मेरे पापा से होते हुए ही मेरे पास आती है, और तुमने मुझे मेरे पापा के सामने घर से भागने के लिए कहा था। इतना होने के बावजूद भी मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ अभी। तुम्हें एक अच्छे पोजीशन पर देखना चाहती हूँ मैं चलती हूँ अभी। ध्यान रखना। अतीत को याद दिलाने वाली यादें, सच को ढूंढने की कोशिश में मेरा मुझसे ही संघर्ष है, पर इसका समाधान मैं ही निकालूंगा। शांत हो जा अभी, तेरी कोशिश तो जारी है ना। ए अभी, वहां पेपर कट में रेड कैप जिसने पहना है वो कॉमन लग रहा है। किसने क्रिकेट खेलते हुए बॉल फेंक दिया होगा। ए! ए! क्या हुआ? तो कहाँ है वो? कहाँ क्या, ये देखो यहाँ पर है। ए मुंडी ऊपर कर, मुंडी ऊपर कर। ए माँ, ए माँ। ए क्या भाई, क्या कहा शूटिंग? पेमेंट अच्छा देंगे क्या? आजकल बहुत कड़की चल रही है यार, पर तू तो अच्छा कमा रहा है यार, सही कहा ना? ओ ओ भाई भाई भाई, ए भाई भाई, कौन था ये? वाह, टोपी बहुत अच्छी है। रुक। ए, कौन है तू? ए, ये वो नहीं है। ये कैसे नहीं है? यही तो रेड कैप पहनकर भाग रहा था ना। अरे यार, उसने हमें मिसलीड किया है। साथ में आते आते बच गया। ए, छोड़ दे इसे यार। बाबरे बहुत मारा मुझे, बाबरे। सर सर सर, मेरा पति कहाँ है? कौन, यही है क्या? बापरे, यही है सर, मेरा पति। आपने उन्हें इस तरह से क्यों मारा सर? आप जैसा समझते हैं वो वैसे नहीं है। सही कह रही है सर, वो अच्छे इंसान है, उन्हें छोड़ दीजिए। सर सर, वो सच कह रहा है सर,
ये चोर या किलर नहीं है सर, टिकटॉक स्टार दुर्गा राव है, बहुत फेमस है, चाहिए तो ये वीडियो देखिए सर। ओहो, मतलब ये टिकटॉक पे फेमस है, तो फिर वीडियो में क्यों सामने ही देखते ना, लाइव परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्यों भाई दुर्गा राव, इस केस में लीड नहीं मिलने के कारण यहाँ हम सबका सर दर्द हो रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए एंटरटेनमेंट हो जाए। यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या नई क्रिएट कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन सब से थक चुका हूँ, एक क्लू भी नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी कहानियां होती है जो समझ नहीं आती, पर बिना क्लाइमेक्स की कोई कहानी नहीं होती। कभी कभी हमारे जल्दबाजी के कारण हमारी सोच मर जाती है। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद मिल जाएगी। तुम्हें एक बात बताऊं अभी, तुम उसे ढूंढने में थक चुके हो, पर तुम्हारी दोस्ती में मैं कभी नहीं थका, मेरा अभी कभी नहीं हारेगा। कुछ सालों पहले एक लड़की से जब प्यार किया था तब बताया था तूने मुझे, मैंने तुझमें हिम्मत देखी थी, आज तुझे ऐसा देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। गुड नाइट अभी, बाय। अजय, अजय उठ जाओ। अजय आप खोल ना यार, अजय अजय कुछ नहीं होगा यार तुझे, अजय 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 आप खोल ना यार। अजय कैसा है डॉक्टर? नथिंग सीरियस, स्मॉल फ्रैक्चर हुआ है, मॉर्निंग तक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। सर सर बोलो। कल रात को जिसने अजय सर का एक्सीडेंट किया था वो पकड़ा गया सर, उसका नाम रियल एस्टेट रामकृष्णा है, फुल नशे में उसने एक्सीडेंट किया था। ले जाके तोड़ो। ओके सर। ये पी लो बेटी। अपने आंसू रोक कर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है लक्ष्मी। तुम्हें ऐसे देखने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, माफ कर देना बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी किस्मत में यही लिखा था, हमारी किस्मत तो ऐसी ही है, कोई क्या कर सकता है। बचपन में तुमने कहा था कि पापा मैं कलेक्टर बनूंगी, तब मैंने कहा हम जैसे गरीब लोगों को इस सब की क्या जरूरत है। पता है तब इसने क्या कहा, पढ़ाई और संपत्ति दोनों को तौल रहे हैं पापा। उस बात पर मैं पिघल गया था। दिन रात एक करके मेहनत से जब पढ़ रही थी तो मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, तो इसने कहा ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रही, मेरे जैसी लड़कियों के लिए है। पर आज कौन सी लड़की आई इसे बचाने के लिए, ये इज्जत, ये पढ़ाई, ये ओहदा बिल्कुल हवा की तरह होता है, कब चला जाए कोई नहीं जानता। जाने दो,
मेरी लक्ष्मी जिंदा बच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये जिंदा है, हमारे लिए यही बहुत है, सब ठीक हो जाएगा। इसके पैर काम नहीं करेंगे तो कंधे पर बैठा के ले जाऊंगा, पर उसी कंधे से कंधा देना पड़ा तो उसी दिन मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, बंद कर देगा। शांत हो जाओ जीजू, शांत हो जाओ, दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। समय तुमने अपने प्यार को छुपाया और आज आंसू छुपा रही हो। प्यार और आंसुओं को छुपाते नहीं है सुब्बू, पता है ये कितने अवेलेबल होते हैं। अभी मैं तुमसे एक बात पूछूं, दुख में या सुख में तुमने मुझे कभी याद किया था? मुझ पर गुस्सा नहीं हो तुम, मुझे कभी डांटने का मन नहीं किया। जब भी हम खुश होते हैं जिसे हम प्यार करते हैं वो हमें याद आता है, और प्यार करने वाले पे ही गुस्सा करते हैं, इसलिए मेरी सुब्बू अपना गुस्सा और प्यार छुपा नहीं सकती। सुब्बू तुम्हें पता है तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हिम्मत। मैंने जिस शुभ लक्ष्मी को देखा था ना, वो शुभ लक्ष्मी कोई और ही थी, उसके गुस्से को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। सुब्बू क्या तुम्हें याद है, शुभ लक्ष्मी का गुस्सा ऋषि मुनि के शाप जैसा था। बहुत ही डेंजर, मुझे पता है। सुबू चलो चलते हैं। अभी पर कहा? चलो मेरे साथ, बताता हूं। हाँ और क्या। अरे और देखें, कलेक्टर साहब आ गए। चलो चलते हैं। मैम साहब, कलेक्टर मैम साहब, आरती लो बेटा, लो बेटा। तुम खतरे से बाहर निकल आई ना, हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सब हमारे कुल देवी की महिमा है। प्रार्थना कीजिए। हमारी कुल देवी, कुल देवी हमेशा आपकी रक्षा करेगी बेटी। अब सब कुछ ठीक है ना? हाँ सुपु, अब तो आप खुश है ना? हा? सब ठीक है ना बेटे? चाचा जी, ये बच्ची कौन है? बेटी, ये बच्ची का परिवार हमारे ही गांव का था। जब आपके ऊपर हमला हुआ था, इस बच्ची का परिवार एक्सीडेंट में मर गया था। तब से इसका ख्याल हम लोग ही रखते हैं। बा, नहीं खा रहा तो मत खा। साहब जी, उस दिन जब कलेक्टर जी पर हमला हुआ था, रास्ते में कार को रुका हुआ देख के हमें वहां ले जाने वाला यही था। बेटा, उस दिन क्या हुआ था कुछ याद है तुम्हें? बेटा, इसने उस कार में जरूर कुछ देखा था, तब से उस स्लेट पर पता नहीं कुछ बनाने की कोशिश करता रहता है। Thank you.
बोलो जय, कैसा है अभी तू? अरे अभी ये मुझे मार देंगे। हा? अरे अभी मुझे बचा ले भाई, भाई मुझे बचा ले भाई। हेलो, हे अजय, हे कौन है तू? हे मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दे। हे प्लीज यार उसे छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है। ये तेरा फ्रेंड है क्या? इसे देखकर मुझे दया आ रही है, पर कहानी इतना आराम से आगे बढ़ेगी तो किंक नहीं मिलेगा ना। ए, उसे छोड़ देना यार प्लीज। छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। छोड़ दिया। हेलो अजय, अभी तो फिल्म बाकी है दोस्त। अजय दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं अभी, तुम उसे ढूंढने में थक चुके हो पर तुम्हारी दोस्ती निभाने में मैं नहीं थका। मेरा अभी कभी हार नहीं मानेगा। अजय तू मेरी ताकत था यार, लेकिन अब तू मेरी हिम्मत है। मैं तेरी कसम खाता हूं अजय, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिखता नहीं अंदर क्या? सॉरी। तू सर काम पर जल्दी जाना था इसलिए कुछ भी बोल दिया मैंने, सॉरी सर। चल जा यहां से। तू रियल एस्टेट रामकृष्ण है ना? उस दिन पी के एक्सीडेंट करने वाला तू ही है ना? बाप रे, मां की कसम खाता हूं सर, उस एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। उस दिन पी के जा रहा था तो किसी ने अचानक से मेरे सर पर जोर से मारा और सुबह मैं पुलिस स्टेशन में था सर। हाँ, उस कार को अभी अभी पुलिस स्टेशन ले गए हैं सर।
एक्सक्यूज मी, तीन दिन पहले आपको ये ऑर्डर आया था। अच्छा आप बता सकते हैं ऑर्डर कहाँ से आया था, किसने ऑर्डर किया था, बताइए ना प्लीज। सॉरी सर, हम ऐसे किसी को नहीं बता सकते क्योंकि कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। मुझे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना। इसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है सर। Excuse me, यहाँ से किसी ने खाना ऑर्डर किया था, बुकिंग आपके ही होटल से हुई है, क्या आप बता सकते हैं रूम किसने बुक किया था और कौन था वो? देखिए सर, इस एरिया में ये सबसे बड़ा लॉज है, यहाँ हर रोज बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। कौन से रूम से किसने ऑर्डर किया ये हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर मुझे जाके सारे रूम चेक करने होंगे, बहुत अर्जेंट है प्लीज। ठीक है, देख लीजिए। थैंक यू। हाँ, क्या काम है? सॉरी माँ जी। क्या चाहिए तुझे, कौन है तुम? सुनिए, यहाँ जो रिसेप्शन पे था वो कहाँ गया? सत्या बाबू क्या? हाँ। उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं अभी ड्यूटी पर आया हूँ सर। क्या चाहिए सर? कुछ नहीं। ये खाना किस रूम से ऑर्डर किया गया है? अच्छा, ये हमारे रूम बॉय माली जी का पार्सल है सर। 10 दिनों से पता नहीं क्यों यही बिरयानी हमेशा ऑर्डर करवा रहा है सर, बेवकूफ। ओके थैंक्स। वेलकम सर। सर, मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जा। सर, क्या हुआ? पार्सल लेके जा रहा हूँ।
रत कले एक ख्वाब में आई और गले का हार हुए। सुबह को जब हम नींद से जब जागे आँख उन्हीं से चार हुए। रत कली एक ख्वाब में आई। चाय ले लीजिए साहब। फूड पार्सल है, ले लो। आखिर मुझ पर अटैक क्यों किया? सुब्बू। मैं ही हूं तेरा विश्वा। तेरे घर पर, तेरे मामा के घर पर ईमानदारी से काम करने वाला विश्वा मैं ही हूं। बहुत दिनों से तेरी सुंदरता को देखकर पागल हो रहा हूं, पागल हर पल। हर पल तुम्हें पाने की इच्छा मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और तुम बड़ी होती जा रही हो। सुपु, तू अगर कलेक्टर ही बनी रही तो मेरा क्या होगा? सोचा था मर जाऊंगा, मौत नहीं आई। सोचा था मार दूंगा, मैं खुद तुझे मार दूंगा, पर मन नहीं माना। सुबह
तब मुझसे कहा गया था इसे मारना मत, बस मौत के मुंह तक ले आना। उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। हे सुब्बू, अगर तुझे मारना होता ना तो कोई था यहाँ घुसेड़ता यहाँ। सुब्बू, मैंने सोच लिया था तुझे मारूंगा नहीं, बस तेरे बदन से अपनी आंखें सेकूंगा। तुझे मारने के लिए किसने बोला था पता है? किसने? नहीं बताऊंगा। सुबो, तुम टेंशन लेके अपना इमोशन वेस्ट मत करो। अभी तक हम दुश्मन को ढूंढते ढूंढते यहां वहां भटक रहे थे। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा रिश्तेदार बनके तुम्हारे ही पास है। अभी तू मेरे मम्मी पापा की तरफ क्यों देख रहे हो? यस। मैं ही था। तुम इतनी तरक्की कर रही थी तो हम क्या रोते रहते? तुम कार में घूम रही थी तो हम क्या कार के डोर खोलते? भैया, बचपन में एक मुट्ठी चीनी के लिए मेरे आंगन में आती थी तुम, और आज तुम कलेक्टर बन चुकी हो तो तुम्हारे सामने सर झुकाओ अपना। मेरी बेटी मर गई तुम्हारी वजह से। ये क्या साले साहब, पूरे गांव को हिम्मत देने वाले तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा ये बताओ? जाने वाले लौट के नहीं आते। देखा भाभी, रमलू जी की बेटी फर्स्ट क्लास में पास हुई थी, प्रसाद जी की बेटी फेल हो गई थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, गांव में सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे ही घर की लक्ष्मी नहीं है ये, अब हर घर की लक्ष्मी है। तुम्हारी भांजी कलेक्टर बन गई है। तुम्हारे पिताजी को खेती करनी थी, मैंने बीज दे दिया तो तुमने बीज का व्यापार ही बर्बाद कर दिया। अच्छा बताओ सर, सारे बीज जहां जाने थे भेज दिए? नहीं भेजा। जाकर अकाउंट सब ठीक से देखो। वो आपके भांजी ने हमारी सारी बीज की फैक्ट्री को बंद करने के लिए ऊपर से ऑर्डर भेजवाया है सर। आपकी अपनी भांजी ऐसा क्यों कर रही है? पूरा गांव ये पूछ रहा है सर। तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो तो क्या करूं? अब तक कैसे रहा करते थे? मेरे सामने, तुम्हारी मामी के सामने सर झुका के हाथ जोड़ते थे, और आज चार लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं तो क्या बड़े बन गए हो? हाँ, बड़े बन गए हो। साहब, साहब, हमारी सुपा लक्ष्मी आ गई। सुपा लक्ष्मी आ गई। माली, हमारे गांव की बेटी आई है मालिक, कलेक्टर बनकर आई है। इस बार यह ज्योति उन्हें जलाने दीजिए मालिक। कमाल करते हो, मैं जलाऊं या मेरी भांजी जलाए एक ही बात है। ये लो, ले जाओ। इतना कमाने के बाद भी, इतना बड़ा बनने के बाद भी छोटे लोगों की तरह सर नहीं झुकाना था मुझे। मेरी उतारी हुई साड़ियाँ पहनने वाली तुम्हारी माँ आज गांव में इतनी इज्जत पा रही है, तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा कभी सोचा है? इसीलिए तेरे गले में कोयता घुसाना चाहा। ये काम हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए इसे सांप की तरह इस्तेमाल किया और तुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहा।
अरे साहब वो छोटा सा काम था साहब। क्या हुआ, पसंद आई ना? शादी करेगा उससे? जा कर ले, जा जा कर ले। चलो। ये क्या मामी? मैंने मम्मी पापा की तरह हमेशा आपकी भी इज्जत की, पर आपने कभी मुझे अपनी अपनी बेटी की तरह नहीं समझा, बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। मेरे जीतने से सारे काम वाले खुश हुए थे ऐसा सोचा था, पर सिर्फ काम वाले ही खुश हुए थे, मेरे रिश्तेदारों को कोई खुशी नहीं हुई। आपको खुशी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मेरे कलेक्टर बनने से आप लोग नाराज हैं ना? बताइए, अगर पड़ोस की लक्ष्मी या पड़ोस की शुभ लक्ष्मी होती तो आप बहुत खुश होते, हैं ना? हमारे जीतने पर पहला स्वार्थ हमारे ही घर वालों का होता है कहते सुना था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने खुद देख लिया, इतना कुछ होने के बाद भी आपको मामी क्यों बुला रही हूं पता नहीं। महेश्वरी की मौत के बाद सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह ही अपने मामा मामी की भी देखभाल करूंगी, पर आपके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है कि आप दोनों मेरे प्यार को कभी देख ही नहीं पाए, उसे महसूस नहीं कर पाए। सुबह प्रेस की मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलो। घायल हुई कलेक्टर सुबा लक्ष्मी उनके ऑफिस से कुछ समय में लाइव बात करने जा रहे हैं और उनकी बात को सुनने के लिए सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैडम, मैडम बताइए, हमें अटैक किया। मैडम बताइए, मैं कुछ बता सकती हैं? आपको कुछ पता चला? सबका कहना है इसके पीछे एमएलए जी का हाथ है, क्या ये सब सच है मैडम? बताइए मैडम, जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे चुप रहेंगी तो जनता को सच कौन बताएगा, बोलिए ना मैडम। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। हम अपने आसपास के लोगों का एक अलग सा ही चेहरा देख जाते हैं, हम कुछ सोच समझ नहीं पाते, हमारी दुनिया ही बदल जाती है, दिल बेचैन हो जाता है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ है। असलियत क्या है मैडम, ये अटैक था या आपको मारने का कोई प्लान था? ये अटैक नहीं है, कुछ सवाल जो मेरे मन में थे उन सवालों के जवाब मुझे मिल गए, कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, पर वो लोग ये बात नहीं जानते कि कुछ भी हो जाए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कभी भी हिला नहीं पाएंगे। मुझे और स्ट्रांग बनाया है उन्होंने, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे रिश्तेदार, मेरा खुद का परिवार मुझे इस तरह नीचा दिखाएगा। मैडम, आप असल में कहना क्या चाह रही हैं? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, मुझे अभी भी याद है, एक दिन 6 साल की एक बच्ची की किसी ने मदद कर दी थी। उसने पापा से पूछा कौन है, उसके पापा ने कहा कलेक्टर जी है। उसे इसका मतलब नहीं पता था, फिर भी उसके पापा ने उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखा, पर उनकी बेटी की जीत सिर्फ उन्हें खुशी देगी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने लोग उनकी खुशी से चलेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। मेरी सक्सेस से अपनों के मन में नफरत पैदा हो गई, यहां तक कि वो मेरी जान लेने पर तुल गए।
ये सब बदलना होगा, हम सबको मिलकर इसे बदलना है। आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, आखिरकार खुलासा हो गया। कलेक्टर शुभलक्ष्मी के मामा मम्मी के साथ साथ एमएलए पेड्डा रेड्डी और उनके बेटे श्रीधर रेड्डी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। कलेक्टर का चार्ज वापस लेने वाली पावरफुल लेडी है शुभलक्ष्मी आईएएस।